हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू और लौकी की सब्जी, जिसको बच्चे बहुत कम खाते हैं लौकी को, लेकिन एक बार ये सब्जी ट्राई करना, आपके बच्चे बड़े चाव से खाएंगे। तो चलिए हम बनाते हैं लौकी की सब्जी। लौकी और आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम घिया ली है और दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, और इनको मैंने अच्छे से वॉश करके ना, इनका छिलका उतार के ना, मैंने इनको एक जैसे पीसीज में काट लिए हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं लौकी की सब्जी। मैंने कुकर लिया और उसको गैस पे रख दिया, और उसमें मैंने डाले 2 चम्मच तेल, और तेल को अब हम गरम कर लेते हैं। ये तेल हमारा गरम हो गया, तो इसमें हम डालते हैं अब जीरा। 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, और 3 मैंने इसमें डाली है हरी मिर्च। इसके साथ मैं इसमें डाल रही हूँ, मैंने 1 प्याज काटी थी और 4 से 5 कलियाँ लहसुन की काटी थी। इनको डाल के हमें एक बार अच्छे से मिक्स कर देना है। ये हमारे प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है, तब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टमाटर, और टमाटर को भी प्याज के साथ हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब 1 मिनट तक हमारा टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, तो अब इसमें हम डालते हैं हमारे मसाले। तो मसालों में मैंने डाला है 1/2 चम्मच ये हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच डाला है मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1/2 से थोड़ी ज़्यादा मैंने चम्मच मैंने डाले हैं ये धनिया पाउडर, और इसके साथ ही मैं स्वाद के अनुसार डाल रही हूँ इसमें नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के ना, और सारे मसालों को हमें अच्छे से मिलाना है, और गैस हमें बिल्कुल ही लो रखना है, और इन मसालों को हल्के हल्के से हमें भूनना है। ये हमारे मसाले नीचे लग ना जाए, इसके लिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच के करीब मैंने पानी डाल दिया है, और अब हमें इन मसालों को अच्छे से पका लेना है। देखिए हमारा जो मसाला वो अच्छे से पक चुका है, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ जो लौकी और आलू हमने काट के रखे थे वो, और इसके साथ ही मसालों के साथ इनको मिलाते हुए हमें 1 मिनट तक इनको खुला पकाना है। खुला पकाने से क्या होता है कि इनका जो फ्लेवर होता है मसालों के साथ ही अच्छे से पक जाता है, बहुत अच्छा आता है। ये 1 मिनट हो गया है इनको भूनते हुए, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 गिलास के करीब पानी, और इनको एक बार और अच्छे से मिक्स कर देना है हमें सब्जी को। और अब इसके कुकर के ढक्कन लगा के हमें 2 विसल आने तक इसको पकाना है। ये मैंने कुकर के ढक्कन लगा दिया और 2 विसल आने तक अब इसको हम पका लेते हैं। ये अब मैंने कुकर को खोल दिया है, और देखिए हमारी सब्जी कितनी अच्छी बनी है, कितना अच्छा फ्लेवर आया हमारी सब्जी के ऊपर। तो अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब मैगी मसाला, ज़्यादा नहीं है, छोटी चम्मच ही डालना है बस, और इसको भी अब हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। तो अब हमारी ये सब्जी खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने सब्जी को एक बाउल में निकाल लिया, और देखिए हमारी सब्जी में कितना अच्छा टेक्सचर आया है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है, तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।